हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ फरजीन। वेलकम टू फरजीन्स फूड मैजिक। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी और यम्मी डिश। आज हम बनाएंगे ऑमलेट, वो भी बिना अंडे का। तो आइए इसे बनाने का तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बाउल में ऐड करेंगे 1 कप बेसन का आटा। ये मैंने मोटा वाला आटा लिया है, पाउडर फॉर्म में जो आता है वो नहीं लिया है। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप मैदे का आटा। एक टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये बहुत ज़रूरी है, ये इसमें ऐड करना ही है हमें। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें एक साथ मिला लेना है पहले, और फिर हम इसे पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। नॉर्मली हम ऑमलेट के लिए जितना पतला घोल बनाते हैं ना, सेम वैसे ही हमें इसका भी पतला सा घोल बना लेना है। अब तक मैंने इसमें 1 ग्लास पानी ऐड कर लिया था, तो ये अभी भी उतना पतला नहीं हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 1/2 ग्लास और ऐड कर लिया है। हम तब तक पानी ऐड करेंगे जब तक ये पूरी तरीके से पतला सा घोल ना बन जाए। हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया था, तो अब हम उसे ऐड करने के लिए एक 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। बैटर अब अच्छी से सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आ गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया और 1 प्याज को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। ये सब हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल है, जैसे हम नॉर्मली ऑमलेट बनाते हैं ना, सेम वैसा ही है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है नॉनस्टिक, और इस पर थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर दिया है। इसे हम थोड़ा सा ब्रश कर लेंगे इस तरीके से। इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन का घोल, और इसे इस तरीके से फैला लेना है। हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। इस पर इस तरीके से जाली आनी चाहिए, इस तरीके से बबल्स आने चाहिए। अगर हमने फ्लेम को फास्ट कर दिया तो इस तरीके से बबल्स नहीं बनेंगे और उसका टेक्सचर भी फिर वैसे नहीं आएगा। एक साइड से ये ऑलमोस्ट पक चुके हैं, तो अब हम इसे टर्न कर लेंगे। बहुत ही ध्यान से हमें इसे टर्न करना है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है अभी। ये दोनों साइड से पक चुके हैं, तो अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए कितने अच्छे बने हैं ये। सेम तरीके से हम बाकी बचे घोल का भी ऑमलेट इसी तरीके से बना लेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वेज ऑमलेट कैसे लगे। तो आपको मेरी ये बिना अंडे की एग ऑमलेट की रेसिपी कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।